शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस एक बार शिवांश अपने पैरों पर खड़े हो जाए फिर हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे। तुमने तो कहा था अगर वो सेटल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। हमने तो बस एक दो फोन किए थे ताकि उसके लिए पहली सीढ़ी तैयार हो जाए। वो 60 लाख रुपए जो जमा कराए थे वो लोग फ्रॉड निकले, फ्रॉड। कल तुम कह रहे थे ना कि शिवांश को ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिलवाया, तुम तो जानते होगे ना उन लोगों को। हमने शिवांश का रेफरेंस बहुत सारी कंपनीज में लिया था लेकिन उसने डील किसके साथ साइन किया है ये हमें भी नहीं पता। वैसे तुम कहां गए थे शिवांश के साथ यूं इस तरह? तुम्हें कैसे पता हम शिवांश के साथ बाहर गए थे? स्वीटी, जब हम घर आए थे तो स्वीटी ने हमें बताया कि तुम शिवांश के साथ बाहर गई हो। लेकिन उसने तो हमें बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। इसका मतलब रोहन? इसको छुपा दे कहीं, नहीं तो अगर देख लिया ना इस पगलिया ने तो इसे भी लौटा देगी शिवांश के ऊपर। कितनी बार कहे तुमसे ऐसे पिसाची नहीं के जैसे अचानक से हमारे सामने मत आ जाया करो। अरे यार मम्मी, ऐसे बात बात पर चोरों के जैसे हड़बड़ा क्यों जाते हो? थप्पड़ मारेंगे मुंह पे। अपनी माँ को चोर बोल रही हो, हम काहे कुछ चोरी करेंगे? तो बताओ क्या है उसमें, क्या छुपा रही थी अलमारी में? मम्मी तो देखे। अरे अलमारी, अलमारी में वो अरे वो काकी है ना, काकी। अरे तुम नहीं जानती, हमारी सहेली है, वो गई है कहीं बाहर तो वो अपने जेवर और कपड़े रख के गई थी तो उसमें रख दिया संभाल कर। अच्छा, स्वीटी को अगर भनक भी लग गई ना कि पैसे वापस आ गए तो दौड़ी दौड़ी जाएगी और उस शिवांश को सारे पैसे वापस दे देगी। हमारे हाथ से पैसे तो जाएंगे और साथ में रोहन की करतूत का राज भी। अभी तो हम इस राज के साथ अच्छे से भूनेंगे। अच्छा मम्मी, आपके पास कुछ पैसे? पैसे? कौन से पैसे? कहाँ पैसे? पैसे तो लूट गए ना, शिवांश ने लुटा दिए। मम्मी शिवांश बहुत टूट चुके हैं, बहुत परेशान है मम्मी। हम समझ सकते हैं, बहुत टूट चुका है और हम भी टूट गए हैं तुमको पैसे दे देकर। तब कहाँ हैं पैसे? पैसे तो सब चले गए ना स्वीटी, अब कहाँ बचे पैसे? अब हमको बहुत भूख लग रही है स्वीटी, चलो देखिए चल के कुछ खाने को है क्या। मम्मी सुनो ना, देखो ना कहीं पे ढूंढ के अगर अलमारी में कहीं पे कुछ पैसे पड़े होंगे। देख लो ना मम्मी, हम शिवांश को कह देंगे कि पैसे वापस मिल गए हमको। ये सुन के ना शिवांश बहुत खुश हो जाएगा मम्मी। भाई हमारी बेटी, कितना प्यार करती हो तुम शिवांश को, हाँ? धर्म पत्नी, और वो तुमको दरवाजा बंद करके श्रवणी को लेके चला गया, उसकी खुशी के लिए कितना सोच रही हो। अगर कुछ बच्चे भी गया है वो भी लुटाने के लिए तैयार हो। क्या बात है मम्मी, वो तो बस पता करने गए थे ना। हाँ, श्रवणी के साथ। क्या छोड़ो, चलो हमको भूख लग रही है, चलो चलो बहुत तेज भूख लगी, चलो देखें कुछ बना है क्या। तुम चलो चलो, देखो इंतजाम, देखो हम आते हैं, जाओ जाओ। अभी तक यहीं खड़ी हो तुम, चौकीदारी करी हो हमारी? ना 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 ना, ये बेचकर शिवांश को देने की कोशिश मत करना, मैं दोस्त का है समझी? मिया तुमको ठीक नहीं लगती कभी भी। चलो भूख लगी हमको, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तो इसका मतलब ये सब रोहन ने किया है? लेकिन क्यों? उसने तो हमसे कहा था कि वो शिवांश की मदद करना चाहता है, तो फिर हमारे सामने से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का इतना बड़ा ढोंग क्यों किया?
चल क्या रहा है तुम्हारे मन में रोहन? श्रवणी बेटा जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। जी माँ। आई। कहाँ रह गई थी श्रवणी बेटा? आओ खाना खा लो। शिवांश क्या बात है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे, खा लो। शिबू थोड़ा सा खा लो, मैं आलू की सब्जी देती हूँ। देखो शिबू बेटा, जो पैसे चले गए वो चले गए, अब उसके बारे में सोच के क्या होगा बेटा? यही सोच के संतोष कर लो कि वो हमारे पैसे थे ही नहीं। हाँ आपके कौन से थे, हमारे थे ना पैसे। तो हमारा मतलब है कि अब तो पैसे चले गए तो पानी में लाठी मारने से का ही होगा। वैसे शिवांश आजकल के लोगों का भरोसा नहीं है, कलयुग है, मुंह में राम बगल में छुरी। कब का कर्तव्य दिखा दें पता ही नहीं चलता। ज़्यादा मत सोचो, आप खाना खाओ। चल शिपू बेटा खाना खा लो। हाँ रोहन जरा कटोरी उठा के देना। कारोबार करना चाहते हैं ना आप शिवांश, तो एक चीज समझ लीजिए, इसमें फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, बेईमानी से कुछ नहीं होता है। कुछ पता चला जिन लोगों ने हमारे पैसे लूटे थे? कि ना आप लोग परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे।
तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा सारा पैसा किसने लूटा? याद करो, तुमने उस पर हाथ उठाया था। और अब वो उसी का बदला तुमसे ले रहा है। उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी बीवी, फिर माँ, एक एक करके वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। रोहन के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये लो, हम तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना कर लाए। ये लो, सुकून मिलेगा। सुकून? वो कैसे मिलेगा रोहन, जब सच्ची दोस्ती का दावा करने वाला हमारा दोस्त, जिसकी हर बात झूठी हो। झूठ? क्यों, क्या हुआ शामिल? क्या हुआ? ये जैकेट तुम्हारी है ना रोहन? हाँ। और ये जिप, ये जिप भी तुम्हारे जैकेट की है ना? जब तुम उस फर्जी ऑफिस में उन फर्जी लोगों को भगाने के चक्कर में तुम्हारी ये जिप टूट गई थी। याद आया? याद आया? अब एक और झूठ नहीं, अब हम जो पूछेंगे ना, हमें उसका सच सच जवाब चाहिए। तो बताओ रोहन, किस लिए किया तुमने ये? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? किस लिए किया? जब तुम्हें शिवांश की कोई मदद करनी ही नहीं थी, तो उसे झूठा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का ढोंग क्यों किया? जानते हो, उम्मीद मिल गई थी उसे, एक बार फिर सब कुछ ठीक होना था। इतने समय बाद सब कितने खुश थे। जानते हो हम क्या मानते हैं तुम्हें, क्या जगह दी हमने तुम्हें? एक फरिश्ते की। तुम जब भी सामने आते थे ना, तो आदर से हमारा सर झुक जाता था। सोचते थे कि कितने स्वार्थी हैं, जो तुम्हारे लिए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन तुम रोहन, तुमने शिवाज के 7 लाख लूट कर उसे बर्बाद कर दिया। क्यों रोहन, जवाब दो हमें, क्यों किया? किया हमने बर्बाद, किया बर्बाद शिवाज को। लेकिन उसके 7 लाख लूटने के लिए नहीं, हम कोई लुटेरे नहीं है। हमें उसके 7 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इसीलिए पूछ रहे, किस लिए किया तुमने ये? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। और आइंदा भी अगर किसी ने हमारे प्यार के बीच में आने की कोशिश की, तो भी हम यही करेंगे। रोहन, ये बात शिवान, हमको तुम पर पहले ही शक था। हमें बर्बाद करोगे तुम? शिवान, शिवान क्या कर रहे हो आप? शिवान, शिवान तो चाहिए। शिवान, शांत हो जाइए। मैं तो लगता था
शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी शराफत बाकी है। तुम इतने बुरे नहीं होगे, क्योंकि तुम तो लुटेरे हो और लुटेरे ही रहोगे तुम। आज इसकी असलियत सबके सामने आने दो। अगर हम असलियत बताने पे आ गए ना तो जिंदगी जीना छोड़ दोगे। एहसान फरामोश। रोहन, हे भगवान, रोहन गुस्से में ये ना बता दे कि शिवांश को उसी ने किडनी दी है। शांत हो जाओ तुम दोनों। आज आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तो तुम्हारा खेल खत्म। जवाब क्या कर रहे हो शिवांश? देखो हम बात कर सकते शिवांश। दीदी दीदी ये दोनों लड़ क्यों रहे? शिवांश रुको। शिवो शिवांश हटो। शिवो कर शिवो छोड़ दे छोड़ दे कह रहे हैं छोड़ दो। क्या बात है, यही तो हम चाहते थे। अपने आप हो गया। कहा पिक्चर चल रही है, ये नहीं पता चल रहा कि हीरो कौन है। कहे कि विलन तो हम हैं। ये मुझे छोड़ दे, छोड़ उसको। आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा सारा कारोबार तुमने बर्बाद कर दिया। तुम दोनों नहीं रुके तो इस घर से हमारी लाश जाएगी। छोड़ दो एक दूसरे को, हटो। श्रवणी, हम आखिरी बात पूछ रहे हैं, तुम लोग छोड़ोगे कि नहीं? श्रवणी बेटे से छोड़ दो, हम कह रहे छोड़ दो चाकू, छोड़ दो। जादू चलाई उस रवनी, दोनों ही बहुत प्यार में पागल है तुम्हारे। क्या कर रहा था शिबू तू? जान से मार देगा उसे। नहीं अम्मा, पूछो इससे। ये सब कुछ इसी ने किया है। हमारा पैसा, हमारा कारोबार सब इसने बर्बाद किया है। रोहन बेटा, तुमने किया है? हाँ माँ। सुन लिया माँ, क्या कहा से? इस सब इसी ने किया है। बोलो। करना पड़ा सभी के लिए। और ये मतलबी इंसान, तुमने खुद ने तो सीटी से शादी कर ली, लाइफ में मूव ऑन हो गए, लेकिन शबनी, शबनी को आगे बढ़ने का कभी मौका दिया नहीं। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हमारी पत्नी के करीब आ जाते हो। कभी बच्चे के नाम पर,
कभी अम्मा जी की मन्नत के नाम पर, और पूरी पूरी रात साथ रुक जाते हैं। और ये चक्कर तुम्हें आता है, लेकिन मंडप से ये उठ कर आती है तुम्हें बचाने के। और ये तुम्हारी बीवी तुम्हारी फिक्र करने के लिए श्रवणी को सजा देती है, उसे नौकर बनाती है, चाकरी करवाती है, कठपुतली की तरह नचवाती है, पैसे उड़ाती है। ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज के बाद अगर किसी ने हमारी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी, तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। तुम्हें तो हम बताएंगे। शिबू, शिबू, शिबू नहीं बेटा, रोहन ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? अब श्रवणी रोहन की पत्नी है, उसके घर की इज्जत है वो, तो मैं उससे दूरी बना के रखनी हूं। रोहन आज वो मांग रहा है जिसका वो हकदार है। उसने पूरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामा है श्रवणी, उसका हाथ थामे रहो और आगे देखो। जानना चाहते हो कि वो कौन है कि जिसकी वजह से तुम सांसें ले रहे हो? वो इंसान है रोहन। हम दोनों कहीं बाहर चले, हमारा मतलब है सिर्फ हम दोनों। जैसा तुम बोलो। स्वीटी, बहुत दिनों से ना हमारे मन में एक सवाल आ रहा था। बोलो स्वीटी। हमें जानना है कि हमें किडनी किसने दी थी? आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।